हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश का जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम्स आने वाला है। जो आपका ये पेपर होने वाला है वो आपका 80 मार्क्स का होगा, 3 आवर का ये पेपर होगा। और इसमें किस तरीके के पैटर्न से आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके भी आप पे आपको दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीटेड देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका पहला ही एग्ज़ाम्स है टर्म वन का। सो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे जो पहला है पार्ट सेक्शन ए का है वो है आपका पैसेज का। 20 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा। इस पैसेज को पढ़ के आपको यहाँ इनके आंसर्स देने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए इसके पैराग्राफ बेस पे। इसके अलावा सेकंड भी आपका पैराग्राफ ही होगा, इस पैराग्राफ के बेस पे भी आपको ये 10 क्वेश्चन करने होंगे। सेकंड जो पार्ट होगा सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड द ग्रामर, ये 20 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 2 आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होंगे। तो आपको कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यहाँ पे करना है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, यू अलॉन्ग विद योर फैमिली रिसेंटली विजिटेड द सिटी ऑफ जयपुर, फेमस फॉर इट्स हवा महल, द पैलेस एंड द फोर्ट। शॉपिंग इन द जयपुर इज ऑल्सो एक्साइटिंग एज देर आर मैनी थिंग्स टू बाई। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर विजिट इन 100 to 120 words इन द पिक्चर गिवन बिलो फॉर द रेफरेंसेज। तो करना है हवा महल के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, कम से कम 100 से 120 वर्ड पे के वर्ड में आपको ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है कि आप जयपुर गए थे, वहाँ पे आप हवा महल घूमने गए, वहाँ पे आपने क्या क्या शॉपिंग करी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी आपको डिटेल में लिखनी होगी। इसके अलावा सेम और करके लिखा हुआ है, दिस ईयर यू आर विजिटेड योर कॉलेज होम टाउन एंड स्टे विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 मंथ। इसके अलावा बेटा आप होम टाउन गए अपने ग्रैंडफादर के साथ और वहाँ पे 2 महीने रहे हैं। सी टुक गुड केयर ऑफ यू, उन्होंने आपका सही से ध्यान रखा। यू एडमायर हर टू हर काइंड एंड द हार्ड वर्किंग नेचर, आप उनके जो नेचर है अपने दादा दादी के उनके नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो डिस्क्राइब योर ग्रैंड मदर इन 100 to 120 words। तो आपके ग्रैंड मदर के बारे में आपको 100 से 120 वर्ड में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ निकले। तो दोनों में से कोई एक लिखना है, तो सबसे जो ईजी रहेगा आपके लिए ग्रैंड मदर के लिए रहेगा, क्योंकि आपने माई फैमिली भी किया होगा, माई पेरेंट्स भी किया होगा, माई टीचर भी किया होगा। तो उसी के बेस पे अगर आप 10 लाइन भी लिख दोगे तो कम से कम आपको 5 में से 3 to 4 मार्क्स तो ईजिली मिली जाएंगे फ्रेंड। तो इन सबके आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एट द गिवन इट द टाइटल ऑल्सो। तो स्टोरी आपको लिखनी है, 4 क्वेश्चन नंबर में आपका स्टोरी आया, स्टोरी और डायरी में से कोई एक क्वेश्चन करने हैं आपको। स्टोरी क्या है, वंस देयर वॉज अ ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन, दे ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर वन फाइन डे। तो आपको पता होगा एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो इस कहानी को आपको पूरी करनी है, तो मैं इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। तो एक तो आपको स्टोरी क्लियर करनी है, इसके अलावा जो आओ करके लिखा हुआ डायरी कह रहा है, यू आर द रोहन और रायमा स्टडिंग इन द क्लास नाइन्थ, यू वेंट ऑन द मॉर्निंग वॉक एंड सो द बॉय ड्रॉइंग इन द पॉन्ड, यू सेव द बॉय एंड यू द क्राउड अप्रिशिएट यू, राइट डायरी एंट्री फॉर दिस एक्सीडेंट। तो आप रोहन है या रायमा है, आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे गए थे जहाँ पे आपने एक बच्चे को तालाब में डूबते हुए देखा, तो आपने उस बच्चे को क्या किया है, सेव किया उसकी लाइफ को, जिससे लोगों ने जो वहाँ पे क्राउड था उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको एक डायरी लिखनी है। तो इन दोनों को के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप उसे देख के अपनी कॉपी में लिख के उसे याद कर लीजिएगा, हो सकता है इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर दिया जाए आपके एग्ज़ाम में। सो पहला आंसर है आपका हवा महल के बारे में यहाँ से। सो मैंने लिखा हुआ है, जयपुर इज़ द ग्रेट प्लेस टू विजिट विद द सो मैनी हिस्टोरिकल साइट्स एंड द कल्चर एंड द ट्रेडिशंस हैज़ इन्फ्लुएंस देयर अ लॉट, इट्स ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज़ अ हेरिटेज टूरिस्ट साइट विद द हवा महल दैट्स एज फेमस फॉर द बीन। आपको पता है जो हवा महल है वो बीन्स के लिए ही क्या है, हवा के लिए ही फेमस है, क्योंकि जैसे आप उस महल में जाओगे, मैंने यहाँ पर विजिट किया है और इस हवा महल में पूरा मैंने विजिट करके आया हूँ, वहाँ से जो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है उसे ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए इसका नाम हवा महल पड़ा हुआ है। बीइंग देयर वो देयर एज वी गो इन विद सो मैनी एरियाज फिल्ड विद द एयर एंड शॉपिंग, द शॉपिंग वॉज द बेस्ट थिंग एट द जॉब। इसके अलावा जो वहाँ पर शॉपिंग है वो वहाँ का सबसे अच्छी चीज़ है। देयर वॉज द स्मॉल द वास विद द लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल फूड सच एज ढोकला, पानी पूरी, आलू पटाठा, इट वॉज द थ्रिलिंग एंड द शॉपिंग मॉल्स हैड द गेम्स टू बी प्लेड
अबाउट द ड्रेसेस एट ईच शॉप वॉज वेरी ग्रेट एज अ कल्चर एंड द ट्रेडिशन वॉज इन्फ्लुएंस इन दिस दोज ड्रेसेज इट सेल्फ। इसके अलावा जो वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स है, गेम्स है, वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेज है जिसको जो वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में दिखाता है। द पैलेस एंड द फोर्ट वर रियली ह्यूज, वो जो पैलेस है और फोर्ट है वो क्या है, बहुत ऊँचा है और बड़ा है। एंड वॉज द हैविंग लॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट, सो जयपुर इज द ट्रूली पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो कह रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जयपुर में आते हैं घूमने के लिए, तो जयपुर क्या है कि इनक्रेडिबल इंडिया के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है ऐसा हेरिटेज हमारे देश में होने के लिए। तो आप इस पैराग्राफ आपको लिख के इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा है और बहुत ईजी भी में लिखा हुआ है, तो आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड था कि आपने ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब करना है जब आप उनके यहाँ रहने के लिए गए 2 महीने के लिए, तो उनके जो नेचर उससे, सो आई लव माई ग्रैंड मदर सस्टेनेबली ली एवर सिंस आई यूज टू बी बर्न बॉर्न ही सी has take care to me. She had taken great responsibility in the bringing me up in the very healthy and disciplined way. तो मैं अपनी ग्रैंड मदर का बहुत आभारी हूँ क्योंकि जन्म से ही मेरा उन्होंने बहुत ध्यान रखा है और मेरे मेरे एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी भाया है मेरे को हेल्थी और डिसिप्लिन बनाने में। माई ग्रैंड मदर कुड बी द वेरी बोल्ड लेडी, मेरी जो ग्रैंड मदर है बहुत ज़्यादा बोल्ड लेडी है। दी विल अर्न लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स, हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सी कुड बी द पोलाइट वन हु कैन हैंडल एनी क्वाइट सिचुएशन इन द वेरी प्रोएक्टिव वे। माई ग्रैंड मदर कुक्स फाइन एंड सी इज द परहैप्स डिलीशियस फूड्स वेदर वैन एवर वी विजिट अवर नेटिव, जब भी हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो डिलीशियस फूड हमें बना खिलाती हैं। There are the plenty of things that are much enjoyable with the grandmother. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी grandmother के साथ बहुत enjoy करता हूँ। When I was small, जब मैं छोटा था, she had to told me any fascinating story. बहुत सारी story सुनाती थी दादी हमारी and taught me the singing too. इसके अलावा गाना भी गाना सिखाती थी। She is extremely talented who was doing the business for over 20 years. वो 20 years से कम से कम business कर रही है। हर एक्सप्रेशन एंड द सक्सेस इन हर बिजनेस हैव द मोटिवेट टू मी टू बी द आइडेंटिकल वे इन ऑफ हर लाइफ, वो जो उनका एक्सपीरियंस है बिजनेस में वो मुझे मोटिवेट करता है कि किस तरीके से अपने आप को आप खड़ा कर सकते हो अपनी लाइफ में। विदाउट माई ग्रैंड मदर आई हैव नॉट वॉन प्राइज इन मैनी कॉम्पिटिशन, बिना अपनी ग्रैंड मदर के मैं कोई भी कॉम्पिटिशन में प्राइज नहीं जीत सकता था। माई ग्रैंड मदर गिफ्ट माई प्रीसियस बुक्स एंड थिंग्स वेन एवर आई बॉय हाई मार्क्स इन द एग्जामिशन, जो मेरी ग्रैंड मदर थी मुझे प्रीसियस बुक दिलाती थी एग्जाम्स के टाइम पर जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आते थे एग्जाम में। सी गिफ्ट मी अ पेंटिंग बॉक्स फॉर द स्कोरिंग आउट ऑफ आउट मैथ्स एंड साइंस दिस ईयर। इसके अलावा उन्होंने मुझे पेंटिंग गिफ्ट करी थी क्योंकि मेरे मैथ्स और साइंस में क्या आए थे, पूरे पूरे मार्क्स आए थे। तो इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, हार्डली यहाँ से 10 लाइन कम से कम यहाँ से छाट लीजिएगा और आराम से उसे याद कर लीजिएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपकी स्टोरी थी, स्टोरी मैं आपको ओल्ड मैन की कहानी पूरी करनी थी, मैं आपको बता देता हूँ पूरी स्टोरी क्या है। वंस देर वॉज द ओल्ड मैन ही हैड द फोर्स एंड दे ऑलवेज क्वारल विद द अनदर। वन फाइन डे ही डिसाइड टू टीच देम अ लेसन, तो एक दिन उसके जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसे टीच एक लेसन सिखाना चाहता था। ही कॉल्ड ऑल हिज रूम एज दे केम एंड सेट इन हिज रूम ही सेट देम टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ पे नीड टू बीट। There is a bundle of sticks lying on the corner and I want to each one of you try to break it. तो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, सबको अपने रूम में बुलाता है, सबको बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। कोने पे स्टिक रखी हुई, लकड़ी रखी है सबके पास, सब एक एक करके उठा लो और उसे तोड़ने की कोशिश करो। All the four sons try to break it one by one but no one of them could do it after all the sons had tried their best and giving up and he asked the eldest son, Now open the bundle and separate the sticks and try to break them quite easily. Each of four son broke down the stick easily. तो जब पहली बार में कोशिश करते सभी बंडल को तोड़ने के लिए तो वो नहीं टूट पाता है, फिर कहता है एक एक करके तोड़ो तो वो तोड़ देता है। सो द ओल्ड मैन सेड दैट डू यू सी व्हेन द स्टिक वाज द बाउंड टुगेदर, जब वो स्टिक जगह था बंडल में बंधे थे तो आप उसे तोड़ने में असमर्थ थे। हाउएवर व्हेन यू द सेपरेट, जब तुमने उसे अलग कर दिया तो क्या हुआ, टूट गया। ईच स्टिक कुड बी द इजली ब्रोकन सिमिलरली इफ यू रिमेन द यूनाइट लाइक अ बंडल, जैसे आप अपने बंडल की तरह अगर आप एक रहते हो, सो नो वन कैन ब्रेक यू, तो कभी कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बट इफ यू फाइट एंड लाइफ सेपरेटली यू विल बी द इजली ब्रोकन, और अगर तुम लड़ते लड़ते अलग हो जाते हो तो आपको इजली तोड़ देगा कोई भी। द सन अंडरस्टैंड द लेसन, तो सन उसके समझ जाता है स्टोरी। दे डिसाइड नेवर फाइट विद द वन अनदर, तो वो फिर डिसाइड करते कभी हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। दे हैव लर्न द यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, तो वो सीखते हैं कि जो एकता में क्या है, ताकत है। स्टोरी थी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका डायरी है, डायरी में आपको बताता हूँ, डायरी में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, अपनी जगह का नाम लिखना होता है। तो जगह का नाम लिखो इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल, डेट लिख देना फ्रेंड यहाँ पे कोई भी।
डेट आप यहाँ पे करंट डालना, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे डालना आप अपनी 11th of October 2022, फिर डेज डाल देना, आज का ट्यूसडे हो गया, और टाइम डाल देना अपना जो भी आपका सूटेबल लगे। फिर डियर डायरी, फिर लिखना आई कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली अबाउट व्हाट हैपन टुडे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आज क्या हुआ, आई वॉज क्वाइट एन इवेंट फुल डे फॉर मी, मेरे लिए क्या था, बहुत अच्छा दिन था, आई डोंट नो हाउ आई डिड बट सडनली देर वॉज द समथिंग इन मी विच मेड टू डू सो। तो कह रहा कि मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने ये सारा काम कर लिया। टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट आउट द रूटीन एवरी मॉर्निंग वॉक, तो आज के सुबह मैं रोजाना की तरह मैं रूटीन के मॉर्निंग वॉक पे गया। ऑन द वे आई सो अ बॉय स्ट्रगलिंग इन द रिवर, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो रिवर में स्ट्रगल कर रहा था, द बॉय परहैप्स कुड नॉट स्विम, जो बच्चा है वो उस तैर नहीं पा रहा था, एंड वॉज फ्लैपिंग विद हिज अपनी बाहें फटफड़ा रहा था। ऑन द सीइंग दिस समथिंग इनसाइड ऑफ मी टोल्ड मी हेल्प हिम एंड जंप, आई जंप इन टू द रिवर एंड अटैम्प्ट टू बी ब्रिंग द बॉय टू बी द सो। तो मैं अचानक मैं कूद गया, मुझे लगा कि मुझे उसे बचाना चाहिए, तो मैं उस बच्चे के लिए रिवर में कूदा और उसे बाहर निकाल के ले आया। बाय देन द बॉय वॉज ब्रिंगिंग टू डाउन, बट आई मैनेज टू रीच द बैंक विद द बॉय, फाइनली आई रीचिंग द बैंक आई रिवाइव द बॉय एडमिट ग्रेट रिजॉइसिंग अ बिग क्राउड, द बॉय वॉज सेव्ड, हीज फ्रेंड थैंक टू मी एंड एवरी वन प्रेज मी फॉर द सेविंग द लाइफ ऑफ चाइल्ड बाई पुटिंग माई ऑन लाइफ एट द रिस्क, आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड प्राउड। तो फाइनली मैं उस बच्चे को बाहर लेके आया, और बाहर ले आने के बाद वो उसने मुझे थैंक यू बोला, और जो वहाँ के लोग थे उनने भी मुझे क्या किया, प्रेस्ट किया, और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी और प्राउड फील करता हूँ। तो ये छोटी सी डायरी थी जिसके बारे में आप लिख सकते हो, तो अपने वर्ड्स में आप लिखना है कम से कम कुछ 10 lines तो फ्रेंड लिखना ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा स्कोर मिलने वाला है। तो ये 2 questions ही आपको समझ लो कि कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 marks के, 5 5 marks यानी 10 marks का, तो फ्रेंड आपको ये 10 marks में से अगर आप 6 या 7 भी ग्रैप करते हैं तो आप इजीली आपका पासिंग स्कोर बन सकता है। तो ये मैंने सेक्शन भी आपको यहाँ पे कवर करवाया, बाकी पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, उसे देख के आप आसानी से इसे लिख लीजिएगा। सो इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी मैं आपको नेक्स्ट बार भी प्रोवाइड कर दूँगा।